हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ सोयाबीन चिल्ली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सोयाबीन चिल्ली बहुत अमेजिंग होती है टेस्ट में। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही ज़्यादा जूसी बनकर तैयार भी होगी ये। तो सारे स्टेप्स बहुत ईजी हैं इसे बनाने के। रेगुलर सोया अगर आप बना बना कर बोर हो गए हैं ना, तो इस तरीके से सोया चिल्ली ज़रूर बना कर देखिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है इसका और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सोया चिल्ली बनाना। सोया नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम सोया नगेट्स ले लेंगे। तो मैंने एक कटोरी सोया नगेट्स लिए हैं यहाँ पर, आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। उसके बाद इन्हें पानी में भिगोकर रखना है, तो मैंने एक कटोरी लिया है और उसी हिसाब से मैंने पानी ऐड करके इन्हें हाफ एन आवर के लिए भिगो के रख दिया है। तो नॉर्मल पानी में भिगो के रख दें आप इन्हें। आधे घंटे के बाद जब ये भीग जाएंगे ना, उसके बाद आपको इन्हें उबालना है हाई फ्लेम पर। तो 4 से 5 मिनट के लिए इनको हाई फ्लेम पर उबाल लीजिए और उबालते हुए इसमें नमक ज़रूर डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी देखो 4-5 मिनट तक मैंने इन्हें उबाल लिया अच्छे से और उसके बाद इन्हें एक छलनी में निकाल लिया। छलनी में निकालने के बाद रेगुलर पानी से इन्हें एक दो बार धो लें और धोने के बाद बिल्कुल ठंडा होने दें और उसके बाद इनका पानी निचोड़ दें। तो इनमें थोड़ा सा पानी आपको रखना है, पूरा पानी नहीं निचोड़ना है। अगर आप सारा पानी निचोड़ देंगे तो आपके सोया नगेट्स जूसी नहीं बनेंगे, थोड़े हार्ड बनेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी इनमें रहने दें, पूरी तरह से ना निचोड़ें। सोया नगेट्स को मैंने एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। तो कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, कॉर्नफ्लावर डालने से चुई हो जाएंगे, आपको इसमें मैदा का ही यूज़ करना है। कई बार लोग इसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं तो वो ना डालें, मैदा ही डालें। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये पेस्ट डालना ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आपको तीखा पसंद है तो नॉर्मल मिर्ची भी डाल सकते हैं इसमें, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसकी जान है, इसके बिना ये सोया नगेट्स नहीं बनेंगे। अभी मैंने इसमें डाला 3 टेबल स्पून के करीब दही। तो जो दही मैंने इसमें डाला है ना, ये खट्टा दही है। ताज़ा दही भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है, लेकिन खट्टे दही से बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है और बहुत ही जूसी हमारे सोया नगेट्स बनके तैयार होंगे। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें काली मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सभी चीज़ों को। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो रेस्ट कराने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सेम टाइम आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। इनको फ्राई करने के लिए तेल को हाई फ्लेम पर गर्म कर लें आप। तो किसी बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम करें, बिल्कुल ऐसी कढ़ाई में जैसे आप देख रहे हैं। गहरी कढ़ाई नहीं लेनी है, अगर आप उसमें इन्हें डालकर फ्राई करेंगे तो चिपक जाएंगे आपस में, इसलिए इंश्योर करें कि एक इस तरीके की कढ़ाई या पैन का इस्तेमाल करें आप। और इन्हें हाई फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है। आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। जैसे फ्राई करके निकलेंगे ना, तभी आप टेस्ट करके देखिएगा, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। ऐसे भी आप इन्हें खा सकते हैं और प्रोटीन तो इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी कुछ अलग खाने का मन करे या सोया की कुछ अलग सी रेसिपी बनाने का मन करे ना, तो ये सोया चिल्ली बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी लगती हैं और झटपट बन जाती है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो जैसे फ्राई होंगे इन्हें बाहर निकाल लें, गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत अमेजिंग लगते हैं। हमने जो दही डाली है ना, उसकी वजह से ये अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, बहुत ज़्यादा जूसी है और ऊपर से सुपर क्रिस्पी हैं। तो ऐसे इन्हें फ्राई कर लें। सारे सोया बीन्स को आपको इसी तरीके से फ्राई करके साइड में रख लेना है। अभी हम साथ में बनाएंगे सोया चिल्ली का मसाला। तो सबसे पहले गैस के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रखेंगे और फ्लेम कर देंगे हाई। उसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के डालेंगे इसमें, साथ ही में 8-9 गार्लिक की क्लोव्स भी बारीक काट के डाल देंगे। आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्लेम हाई रखें यहाँ पर और 30 सेकेंड के लिए इन्हें भून लें। थोड़ा सा कलर चेंज होने दें इसका, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से आपको सब्जियाँ कट करके लेनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से सब्जियों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सारी सब्जियों को डालने के बाद अच्छे से इन्हें 1 मिनट के लिए भून लें। और हाँ, इसमें हमने टमाटर भी डाला है, टमाटर से बहुत अमेजिंग फ्लेवर आएगा हमारे सोया चिल्ली का। हमारे सोया चिल्ली बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे, तो टमाटर ज़रूर डालना है आपको। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सॉस। तो सब्जी डालने के बाद आपको 1 मिनट के लिए भूनना है, फिर हम डालेंगे इसमें डार्क सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस। कितनी कितनी क्वांटिटी में डालनी है आप साइड में देख सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला रेड चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच के करीब या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ब्लैक पेपर डाल दीजिए। काली मिर्ची और रेड चिली फ्लेक्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा नमक डालिए इसमें, क्योंकि सॉस में भी नमक है। सब्जियों को सॉस डालने के बाद ज़्यादा ना पकाएं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाएं, फ्लेम हाई रखें। उसके बाद मैंने इसमें लगभग 50 ml के करीब पानी डाला है, तो पानी ज़रूर डालिएगा। पानी डालने से क्या होगा ना, कि हमारे जो सोया बीन्स हैं जो हम इसमें डालेंगे, वो बहुत ज़्यादा जूसी हो जाएंगे।
अगर आप पानी नहीं डालेंगे ना तो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, लेकिन पानी ज़रूर डालिएगा, बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो सारे सोयाबीन्स जो हमने फ्राई करके रखे हैं ना वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से हाई फ्लेम पर इन्हें मिक्स करेंगे। जितना भी कुकिंग प्रोसेस है ना इसका, वो हाई फ्लेम पर ही करना है। और देखिए, आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया हो गया है। तो यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लें आप, कुछ भी चीज़ कम लगे, नमक मिर्ची तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे सोया चिल्ली बनकर तैयार हो गए हैं, फटाफट बन जाते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लगता और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप अपने घर में जब मन करे इन्हें बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोया चिल्ली को प्लेट आउट कर लिया है, गर्मा गर्म सर्व करें, इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इन्हें ऐसे खाएं या फिर स्टीम्ड राइस के साथ इन्हें खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा जूसी बनकर तैयार भी होते हैं। तो बनाकर देखिएगा एक बार। अगर आपके घर में सोया बीन्स का यूज़ होता है और आप रेगुलर सोया बीन्स को एक ही तरीके से बनाते हैं तो एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कॉमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। इस तरह की रेसिपीज़ के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।